गुरुदेव का असीम कृपा आशीर्वाद, मेरा बहुत सारा प्रेम। आज के सत्संग में प्रश्न है, सत्य क्या है? मनुष्य के जीवन में सत्य क्या है? अब मनुष्य जीवन सत्य परमात्मा है, उसका प्रमाण उस परमात्मा ने धरती बनाया, अग्नि बनाया और बनाया आकाश जी, धरती बनाया, अग्नि बनाया और बनाया आकाश जी, जल बनाया, पवन बनाया, रहता है सबके साथ जी, जल बनाया, पवन बनाया, रहता है सबके साथ जी। वह परमात्मा, उसने पांचों तत्व को बनाया, सूरज बनाया, चंद्र बनाया, सूरज बनाया, चंद्र बनाया, पर्वत मेरो देख जी, सूरज बनाया, चंद्र बनाया, पर्वत मेरो देख जी, अनंत कोटि नगर बनाया और अंतरिक्ष जी। वो अनंत कोटि नगर इस ब्रह्मांड में अनेक अनेक सृष्टि हैं, और इन सब बनाने के साथ प्रमाणित करता है कि मैं हूँ और मेरे ही द्वारा ये सब निर्मित है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण जी में बोलते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो मतलब जीवा, जीवा से जितना बोल सकते हैं, गोचर मतलब दृष्टि, जितना आप देख सकते हैं वो सभी माया है। यहाँ भी परमात्मा प्रमाण दे रहा है, कैसे? ये सब माया है और वह परमात्मा माया पति है। तो जहाँ पत्नी रहेंगी वहीं पति देवता भी रहेंगे, अर्थात सर्वव्यापी है, दृष्टि भेद है बस। उसी दृष्टि को ईश्वर में बना लीजिए, ईश्वर सर्वभूतानां सर्वस्व ईश्वरमय, ईश्वर सभी में व्याप्त है और सर्वत्र ईश्वरमय है, और वही ईश्वर सत्य है, और उसी ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अब उसी ईश्वर का यह अंश, सत चेतन घन आनंद राशि, जब उसका साथ कर लेता है, उस सत्य को समझ लेता है, उस सत्य को प्राप्त कर लेता है, या अपने आप को उस सत्य में मिला देता है, या उसको अपने में मिला लेता है, आनंद घन राशि बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य बने या ना बने, परमात्मा तो उसको बना के भेजता है, उसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ आपको। मनुष्य के जीवन में ईश्वर सबके लिए सत्य स्वरूप है, अपने जीवन में जन्म और मृत्यु दोनों ही सत्य है, जन्म भी सत्य है और मृत्यु भी सत्य है। अब यहाँ सोचने की बात है कि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के साथ हम विकास करते हैं, क्या क्या विकास करते हैं? शरीर का विकास होता है, बुद्धि का विकास नहीं होता, बुद्धि का तो नाश हो जाता है, मन का नाश हो जाता है संसार में। विकास उसी का है जिसका बुद्धि ईश्वर में लगा है, जिसका चित ईश्वर में लगा है। तो जन्म लेने के बाद मनुष्य शरीर के साथ मन बुद्धि चित अहंकार संसार की सारी सुख सुविधाओं को बढ़ा लेता है, खुद भी बढ़ जाता है, अर्थात विकास कर जाता है। यह विकास संसार में संसार के लिए और संसार के सुख के लिए है। हमारे गुरुदेव देवराहा बाबा सरकार ने कहा है, सोई पामन सोई सुभग शरीरा, सोई पामन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजहिरा
गोबीरा। संत कबीर कहते हैं, मानव देह धारण करके भजे ना राम सो पापी, मानव देह धारण करके भजे ना जो नर पापी, अंत समय जब आवे मनुष्य का बढ़ते पाप की थापी। थापी जानते हैं, मिट्टी का बनता है। तो अंत समय जब आता है तो अपने किए हुए कर्मों को मनुष्य अपने सामने देखता है। अब यहाँ सत्य की बात हो रही है। सत्य जन्म सत्य है और मृत्यु भी सत्य है। दोनों में अंतर क्या है आपके साथ? जन्म के बाद आपका विकास हो रहा है, संसार का विकास, और मृत्यु के बाद विकास नहीं है, खत्म हो जाता है। यहीं पे सत्य का पूर्ण चरण नहीं बनता, जबकि होना ऐसा चाहिए। जन्म के बाद जैसे आपका विकास होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी विकास होना चाहिए। जन्म के बाद आपका शरीर, मटेरियल, वस्तु, विषय का विकास होता है, और मृत्यु के बाद लोकालोक का विकास होना चाहिए। और यह विकास तभी संभव है जब उस सत्य को हम जाने, सत्य अर्थात ईश्वर को जाने, माने और अनुसरण करें। इसके लिए हमारे गुरुदेव ने बताया, बच्चा तुम्हारे जीवन में हर चीज़ के लिए तुम समयबद्ध होकर चलते हो। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। इसी समय के बंधन में एक चीज़ और रखो कि इतने बजे हमें ईश्वर का स्मरण भी करना है, अर्थात अभ्यास योग वैरागेण जीव लभ्यते ज्ञानस्य। यह जीव अभ्यास, योग और वैराग्य तीनों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। सत्य को जान लेना, सत्य को समझ लेना और सत्य में विलीन हो जाना ही सत्य है। अगर आप सत्य में विलीन नहीं होते तो आप सत्य से वंचित रह जाते हैं, और जो सत्य से वंचित रह जाता है वो भ्रमित हो जाता है, भ्रमण करता रहता है। चाहे वो 84 लाख जन्म हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से दुख को, तकलीफ को पा करके अनेक अनेक प्रकार से कष्ट को ही प्राप्त होता है। और जो सत्य से निकला, अर्थात सत्य में जन्म हुआ और सत्य में ही समा गया, वो सब सुख और शांति को प्राप्त कर लेता है। उसी का मृत्यु सफल है, उसी का जीवन सफल है, जो शांत हो करके परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने बोध स्वरूप में स्थित हो करके उस ईश्वर में लीन हो जाए। जैसे वो माता के गर्भ में आया था, उस समय शून्य था, कुछ नहीं था, शून्य। वैसे ही वो शून्य क्यों था? क्योंकि शांति थी, कोई हलचल नहीं, एक पिंड और एक पुरुष। वैसे ही वही पिंड बड़ा हो गया, बढ़ करके आकार ले लिया, आकार के बाद संसार में आया, संसार ले लिया। अब उसी पिंड की अवस्था प्राप्त करनी है आपको। कौन सी अवस्था? योगियों ने कहा है इस पिंड के लिए, काया शादे माया शादे, काया साधे माया साधे, साधे जीव और आत्मा जो इनको साधे लिए हैं, बन गए वो परमात्मा
जो इन जिन्होंने इनको साध लिया है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा का स्वरूप उन्हें प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसी को प्राप्त करने का मतलब सत्य है। सत्य स्वरूप लेके हम आए थे और सत्य में समा जाएं, यही सत्य है। अन्यथा अगर उस सत्य में नहीं मिल पाए हम तो असत्य तो ग्रास कर ही लेगा और उसके बाद भ्रमण ही भ्रमण है। भ्रमत भ्रमत जीव यह, भ्रमत भ्रमत जीव यह, खोया अपनियापा, भ्रमत भ्रमत जीव यह, खोया अपनियापा, ऐसी हालत में दुख पावे, शोक और संतापा। यह जीव भ्रमित होते होते इतना भ्रमित हो जाता है कि अपने आप को खो देता है, अपने सत्य बोध स्वरूप को ही खो देता है। और जब वही खो जाता है तो फिर क्या रह जाता है? शोक और संताप। यह शोक और संताप मनुष्य को इतना ग्रस लेता है, इतना ग्रस जाता है वो कि जाता है मंदिर, मांगता क्या है? कहीं भी जाएगा वो एक ही चीज़ मांगता है, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। उसको अपनी आत्मा की और अपने भविष्य की याद ही नहीं आता। याद रहता है तो सिर्फ विषय वस्तु स्वार्थ, स्वार्थ के बस जीव पड़ाए, स्वार्थ ही ओ खावे पीवे, स्वार्थ में ही जीवन बीतता, स्वार्थ बन कर सब जीव जीवे। वो स्वार्थ इतना हो जाता है कि वो स्वार्थ ही खाना कर लेता है, स्वार्थ ही पीना कर लेता है, स्वार्थ ही जीवन बन जाता है उसका, फिर मृत्यु भी स्वार्थ जैसा ही हो जाता है। ऐसी मृत्यु जो भ्रमित कर देता है। कहते हैं मरने के बाद कौन देखता है, कहाँ गए, किधर गए, ये मत भूलिए। आप स्वयं को देखते हैं, कहाँ गए, किधर गए, कैसे गए, और आप ही दुखित होते हैं और लोग दुखी नहीं होते। मरने के बाद दो दिन चार दिन के बाद श्री राधे, सब कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था, किसी का कुछ नहीं जाता। इसलिए सत्य को जानने की चेष्टा करिए, सत्य को मानने की चेष्टा करिए। सत्य का अनुभव ही आपको वास्तविक दिशा दे पाएगा, अन्यथा आप भ्रमित, श्रमित और सब प्रकार से थक जाएंगे। इस तरह से सत्य के बारे में जानने की चेष्टा करिए और वो भक्ति मार्ग में शरणागति से, ज्ञान मार्ग में ध्यान से, वैराग्य मार्ग में नाम से, योग मार्ग में प्राणायाम से। प्राण को चढ़ा लेते हैं योगी, साधक ध्यान में स्थित हो जाता है, भक्ति में शरणागति, त्राही मां प्राप्त हो जाता है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्राप्त हो ही, अभ्यास तो होना चाहिए। जो आप अभ्यास करते हैं वही आपका अभ्यास अंतिम समय में काम आता है। अभ्यास करिए, सत्य को सत्य में मिला दीजिए। आप सत्य हैं, आपको बनाने वाला भी सत्य है, इसीलिए सहज है। चुंबक को चुंबक में चिपकाना है, लोहे में मत चिपकाइए। लोहा ईश्वर चुंबक है, लोहा संसार है। अगर लोहे को चुंबक में चिपका देंगे, थोड़े देर चिपका रहेगा, बरसात आएगी, बारिश होगी, लोहे में जंग लग जाएगा
और धीरे धीरे चुंबक का असर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होते 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 एक दिन वो लोहा झड़के नीचे गिर जाएगा और चुंबक वहीं रहेगा। अगर चुंबक में चुंबक चिपक गई तो एक हो जाते हैं। तो सत्य में सत्य को मिलाना है। परमपिता परमात्मा सत्य है, आप भी सत्य हैं, सिर्फ उसमें अपने आप को डालना है। हमारी आवश्यकता होगी तो मैं आपके साथ हूँ। चलिए सत्य का अनुसरण करते हैं, बाबा का असीम कृपा है। राधे राधे।